एंड ये है मेरी दोस्त हैं जो शैला, ये आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक जी। व्यूअर्स, हम जा रहे हैं अभी विजिट करने, बाद उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो हम अभी जाते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं, छोटा सा पार्क है, यहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं। जब दिल करता है उदास होते हैं, थोड़ा गर्मी से तंग हो जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं वॉक के लिए। तो जी, अभी हम आ गए घर, चक्कर लगा के ग्राउंड पे, चार चक्कर लगाए हैं, सब पसीना पसीना होके आ गए हैं, थक हार गए। अभी खाना बनाना है, चाय बनानी, चाय पीनी है, खाना बनाना है, फिर आपसे मिलते हैं। हम आए हुए हैं हॉस्पिटल ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो आज सुबह सुबह हम आ गए थे, घर से नाश्ता नहीं किया, तो ये नाश्ता कर रहे हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाने, कार्डियो आए हुए। सुबह कार्डियो गए थे, सुबह जल्दी उठे थे 6:30 बजे, तो कार्डियो गए थे, फिर बहन का टेस्ट करवाने के लिए, ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, उसका हम करवाते रहते हैं रेगुलर, महीने में 15 दिन में उसका होता है, क्योंकि उसका पिछले साल ऑपरेशन हुआ था ओपन हार्ट सर्जरी का, तो उसके 2 बाल बंद थे, तो उसका ऑपरेशन करवाया था, तो उसी के लिए भी हम लोग गए। पूरा दिन तो हमारा वहाँ लग गया है, 12:30 बजे खा रहे हैं, सुबह 6:30 गए हुए, क्योंकि पहले टोकन लेना पड़ता है, फिर टेस्ट करवाना पड़ता है, उसके बाद 2 घंटे बाद रिपोर्ट आती है, फिर वो हमने ली है, फिर वो खा रहे हैं, खाना खाया है, अभी फारिग हुए हैं, तो फिर जल्दी मिलते हैं आपसे। जी, आज आपसे एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ मैं, पता नहीं आपकी किस किस को पता है, जो गांव के रहने वाले हैं उनको तो ये पता होता है, तो आप बताइएगा ज़रूर कि किस किस को ये पता है कि ये सरसों का साग है। तो ये होता है, ये सरसों का साग है, ये सूखा हुआ है, और ये चने की दाल है, तो इसमें ना चने की दाल और सूखा साग, इसको मिक्स बनाना होता है। तो वैसे पहले तो हांडी चढ़ा देते हैं, ऐसे पानी डालते हैं, जब ये पानी उबल जाता है या गर्म हो जाता है, तो फिर उसके अंदर हम ये साग डाल देते हैं, और नमक डाल के इसको पकाते हैं, गलाते हैं, तो जब ये गल जाता है ना, तो फिर आगे का मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चाहिए होता है। हरी मिर्चें चाहिए होती हैं, और लहसुन का तड़का लगाते हैं, टमाटर, प्याज, वो इसको डाल देते हैं जब आधा गल जाता है, फिर उसके बाद यानी कि हम इसको तड़का लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप सब? हम इतने क्या सब ठीक होंगे, क्या कैसे से होंगे, अल्लाह शुक्र हम सब ठीक हैं। तो आज मैं यही ब्लॉग बना रही हूँ, उसकी रेसिपी आपको दूँगी, मैं सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मैं जिस तरीके से बनाऊँगी तो मैं वो दिखाऊँगी। ये मैंने गोश्त हो गई डाल दिया कुकर में, और यखने के लिए उसमें बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें प्याज और अदरक के टुकड़े ले लिए मैंने, और ये लहसुन है देसी, और थोड़ी 2 मिर्चें मैंने ले ली, नमक और साबुत धनिया, और ये गरम मसाला साबुत, तो हमें यखनी बनाने के लिए ये चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है जी, इनको हम डाल के गोश्त में और पानी डाल के हम यखनी बना लेंगे इसकी। तो जी, हमारी यखनी हो गई है तैयार, अभी हम इसको छान लेंगे और गोश्त को अलग कर लेंगे, फिर बाकी साथ साथ आपको रेसिपी देते हैं ब्लॉग। अभी देखते हैं कैसे बना पुलाव। तो ये देखिए, पुलाव तैयार है। तो जी, खाना वाना खा लिया है, अभी काम खत्म किया, किचन साफ किया है, बर्तन वगैरह ये देखें धोए हैं, अभी बस दूध गर्म करना है और चाय बनानी है, चाय पीनी है। ठीक है जी, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफ।
अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग।